हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, पेज नंबर आपका 11th, उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट। इसके अंदर दे रखा है राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड यानी उसका विस्तार करना, यानी उसको बढ़ाना, बड़े हुए रूप में दिखाना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ए मैंने कर रखा है 67। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ये 6 किस पे है, टेंस पे, और 7 किस पे है, वंस पे। ओके, तो हम देखेंगे 6 किस पे, टेंस पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 टेंस एंड 7 वंस। ओके, 6 टेंस का मीन्स हो गया 60 और 7 वंस का मीन्स हो गया 7। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड होके आपके 67। ओके, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं 59। तो देखिए टेंस पे क्या है, 5, हम यहाँ लिखेंगे 5, और वंस पे क्या है, 9। 5 टेंस क्या हो जाएगा, 50, और 9 वंस से इट मीन्स क्या हो जाएगा, 9। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट जो सी वाला है 73, इसमें देखिए टेंस पे कौन सा है, 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, और वंस पे क्या दे रखा है, 3। तो 7 टेंस का मीन्स हो गया 70, और 3 वंस का मीन्स ओनली 3। नेक्स्ट देखिए 89, 89 के अंदर जो 8 है वो किस पे है, टेंस पे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 टेंस, एंड जो वंस पे कौन सी नंबर है, 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 वंस। 8 टेंस का मीन्स हो गया 8080, और 9 वंस का मीन्स ओनली 9। आपके जो एक्सपेंडेड फॉर्म है आपको इसी तरह से आप करना है बाकी बची हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रखा है, उसके उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है। सबसे फर्स्ट वाला देखिए, ए वाला जो कि मैंने कर रखा है 5 टेंस एंड 3 वंस। अब बताइए 5 टेंस का मीन्स क्या हो गया, 50, क्या हो गया, 50, मैंने यहाँ लिखा 50, और 3 वंस का मीन्स क्या हो गया, ओनली 3, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 53, क्या हो जाएगा, 53। हम यहाँ पे टी और ओ, टेंस और वन मेंशन भी करके रखेंगे ताकि आप इजी वे में समझ सकते हो। यानी टी की जगह हमें क्या लिखना है, 5, और वंस की जगह क्या लिखना है, 3। ये आपके 53 इसका शॉर्ट रूप हो गया है। बी वाला देखिए, अब 0 टेंस एंड 9 वंस, तो 0 क्या है, टेंस, हम 0 लगाएंगे, वंस, 9 क्या है, वंस, तो क्या हो जाएगा, ओनली 9, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा वहाँ पे, 9। अब देखिए नेक्स्ट सी वाला, 1 टेंस एंड 7 वंस, तो 1 टेंस है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 0 10, देन 7 वंस है, तो कितना लिखेंगे हम, 7। अब 1 को हम लिखेंगे T के नीचे, और 7 को लिखेंगे हम 7 वंस के नीचे, तो कितना हो गया, 1 7 17। अब नेक्स्ट जो है आपका 2 टेंस एंड 4 वंस। 2 टेंस मीन्स क्या हो जाएगा, 2 0 20, और 4 वंस का मीन्स क्या हो जाएगा, 4, ओनली 4। अब 2 को हम टेंस की जगह लिखेंगे 2, और 4 को हम कहाँ लिखेंगे, वंस की जगह, तो कितना हो गया आपके, 24। ओके, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है प्लस। कौन सा सिंबल होता है, प्लस, इसको बोलते हैं ऐड करना, जोड़ना, तो इसका सिंबल प्लस। अब हम देखेंगे किस तरह से हमें ऐड करना है। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है 2, और सेकंड नंबर दे रखा है आपके
थ्री। अब हमें क्या करना है, पहले टू लाइंस खींचेंगे, वन और टू, ओके। फिर कितनी लाइन बनानी है, वन टू थ्री। अब इसको प्लस करेंगे, हम काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने आएंगे यहाँ पे, हाउ मैनी नंबर्स हियर, फाइव, ओके। नेक्स्ट वाला जो प्लस करेंगे हम, ये कितने लाइंस खींचेंगे हम यहाँ पे, मेक थ्री लाइंस, वन टू थ्री, देन फाइव लिखे हैं, नेक्स्ट नंबर क्या है, फाइव, तो कितनी लाइंस खींचेंगे, हाउ मैनी लाइंस वी मेक, फाइव लाइंस, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, काउंट लाइंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ कितना मेंशन करेंगे हम, एट, ओके। थ्री प्लस फाइव मेक टुगेदर मेक एट। नेक्स्ट फोर एंड नाइन को ऐड करना है, तो हम इस, ये जो काउंटिंग है हम इस पे भी कर सकते हैं, हैंड पे भी कर सकते हैं। आपको मैंने पहले लाइन बना के बताई थी, अब जो दूसरी वाली है नाइन फोर प्लस नाइन, इसको हम ऐड कैसे करेंगे, देखिए आपकी जो फिंगर्स होती है, जो टिप्स होते हैं, इसके अंदर भी हम काउंट कर सकते हैं इन नंबर्स को, वन टू थ्री फोर, ओके। टिप्स हो गई फोर तक, अब फिर आपके हैं नाइन और, तो इसको वापस यहाँ से काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, नाइन तक अब इनको ऐड करेंगे, हाउ मनी टिप्स देयर इज, ऐड करेंगे हम यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, तो आपके कितने हो गए ये टिप्स, थर्टीन। इनका जो टोटल हो जाएगा आपका वन थ्री थर्टीन। नेक्स्ट जो है आपके टू प्लस सिक्स, चलो टिप्स पे काउंट करते हैं अपन वापस से, ओके। वन और टू, और नेक्स्ट कितना है आपका, सिक्स नंबर है, काउंट करेंगे यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, चलो वापस से काउंट करो इसको, कितने हो गए, कितनी टिप्स हो गई है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हो गए ना एट। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, हम एट मेंशन करेंगे, ओके। एक तो मैंने आपको लाइंस के द्वारा बताया है, लाइंस खींच के भी आप कर सकते हो, और दूसरा मैंने बताया आपको हैंड की जो टिप होती है उस पर भी काउंट कर सकते हो, दोनों तरह से काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके हैं ऐड, ये दो नंबर वाले ऐड है जिस पे मैंने लिखा है टेंस और वंस, टी फॉर टेंस होता है और ओ फॉर वंस होता है, तो थ्री थर्टी सिक्स प्लस किसको ऐड करना है, फोर्टी टू को ऐड करना है, 36 प्लस 42। अब यहाँ पे भी हम लाइंस भी बना सकते हैं और टिप्स में भी काउंट कर सकते हैं। चलो पहले लाइन बना के देखते हैं अपन, यहाँ पे 6 है, कितनी लाइन बनाएंगे हम, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना ऐड करना हमें इसके अंदर, 2, 1 और 2, काउंट करेंगे हम लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितनी लाइंस हो गई यहाँ पे, एट, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, एट, ओके। नेक्स्ट इस तरफ अब हमें दे रखा है टेंस की तरफ, थ्री और फोर लाइंस बनाएंगे, थ्री, वन टू थ्री प्लस वन टू थ्री फोर, काउंट करेंगे लाइंस कितनी हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितना मेंशन करेंगे यहाँ पे, सेवन। अब देखिए नेक्स्ट नंबर ज़ीरो, ज़ीरो का मीन्स क्या होता है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो को ऐड करने पर क्या आएगा, ज़ीरो, ओनली ज़ीरो, नथिंग। अब नेक्स्ट आपकी जो टू और थ्री है, चलो टिप्स पे काउंट करते हैं टू और थ्री को, तो ओके टिप्स, वन टू, अब वन टू थ्री कितने हो गए, काउंट करेंगे वापस इन सबको, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने आएंगे यहाँ पे, फाइव, ओके। इन दोनों को 20 प्लस 30 को ऐड किया, हमें कितना मिला, 50। नेक्स्ट आपकी 41 प्लस
35, इन दोनों को ऐड करना है हमें, 41 और 35। चलो ऐड करते हैं, वन लाइन खींची प्लस फाइव लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, मार्क कर दी, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, ये आपके हो गया 6। 4 और 3, 4 लाइन मेंशन कर दी, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कितना हो गया ये 7। नेक्स्ट 7 प्लस 2, अब टिप्स पे काउंट करें अपन इसको। ओके, टेस्ट टिप्स पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक हो गया। अब कितना और मेंशन करना है, 1 और 2 और काउंट करने टिप्स को, 1 और 2, यहाँ तक हो गया टिप्स। अब सारी टिप्स को हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आएगा यहाँ पे, हम लिखेंगे 9। अब 1 प्लस 4, तो 1 तो ये मेंशन हो गया, अभी 1 2 3 4 काउंट करें फिर से, 1 2 3 4 5, कितना आएगा 5। ओके, इस तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं, टिप्स के द्वारा भी और लाइनिंग के द्वारा भी काउंट कर सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी दे रखा है ये, कुणाल हैज 3 स्वीट्स, कुणाल के पास 3 स्वीट्स हैं, अंजू गिव हिम 6 स्वीट्स मोर, अंजू उसको 6 स्वीट्स और देती है, हाउ मैनी स्वीट्स डज कुणाल हैव, कुणाल के पास अब कितनी स्वीट्स हैं, हाउ मैनी का मीन्स होता है कितने। ओके, तो हम काउंट करेंगे कुणाल के पास कितनी स्वीट्स थी, सॉल्व करते हैं हम इसको। ओके, SOLVE, सॉल्व, 3 स्वीट्स किसके पास थी, कुणाल के पास, और अंजू ने उसको कितनी दी, 6, 6 स्वीट और दी उसको। अंजू ने, तो हम इसको काउंट कर ले, कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 5 6, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आएगा यहाँ पे 9, यानी कुणाल हैव 9 स्वीट्स। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है माइनस, घटाना, कम करना। ओके, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे नंबर दे रखा 9 और यहाँ पे नंबर दे रखा 4। लाइनिंग से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लाइंस बनाई मैंने, 9, क्योंकि ऊपर वाली संख्या कितनी है 9। अब हमें कितना कट करना है, 4, तो हम यहाँ पे 4 लाइंस को कट करेंगे, 1 2 3 4, अब ये 4 लाइंस तक हमने कट कर दी, रिमेनिंग जो लाइंस है हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, कितना यहाँ लिखेंगे हम 5। चलो अगला हम करते हैं, फिर से लाइन बना के, 8 दे रखा है ऊपर वाली संख्या और बाद वाली 6 से, तो 8 में से क्या कम करना है आपको, माइनस करना है 6। 8 लाइन बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कट कितनी करनी है हमें, माइनस कितना करना है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन्स से हमने इसको कट कर दिया, इन सारी लाइन्स को। कितना हो गया, कितनी बची लाइन, रिमेनिंग लाइन्स आर 1 एंड 2, यहाँ कितना मेंशन करेंगे हम 2। अब नेक्स्ट देखिए, 17 माइनस 5, तो हम पहले वंस वाली संख्या, वंस वाले नंबर्स को 1 से माइनस करेंगे, 7 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कट करने कितना है 5 कट करना है, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 लाइंस कट कर दी, रिमेनिंग लाइंस कितनी हो गई 2। अब देखिए, टेंस के नीचे कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो 1 का 1,
तो 17 में से 5 कट किए, कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने बचेंगे, 12। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, 19 माइनस 7, 19। तो पहले वंस वाली संख्या को कट करेंगे, कितना लिखेंगे, कितनी लाइन बनाएंगे, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कट कितनी करनी है हमें लाइंस, 7, 7 को कट करना, माइनस कितना करना, 7 को। तो हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 लाइंस को हमने कट कर दी। रिमेनिंग लाइंस कितनी है, 1 और 2, कितना लिखेंगे हम, 2 यहाँ पे। अब देखिए टेंस के नीचे कोई संख्या है क्या, नहीं है, इट मीन्स 1 का यहाँ पे हम 1 ही लिखेंगे। ओके, अब 19 में से 7 कट हुआ, कितना बचा आपके पास, 12। अब देखिए नेक्स्ट जो नंबर है, 2 डिजिट नंबर वाले माइनस कर रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले वंस वाली संख्या को माइनस करेंगे, 7 माइनस 2। ओके, लाइन खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कट कितना करना है, 2 लाइंस को, 1 और 2, ये 2 लाइंस को हमने कट कर दिया, कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, 5। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर है, 6, और यहाँ टेंस के अंदर कितना है, 6 माइनस 4, 6 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस करना है 4, 1, 2, 3, 4, 4 लाइन कट कर दी, कितनी बची है, 2। अब देखिए 67 माइनस 42, कितना बचा, 25। नेक्स्ट करते हैं हम, 79 माइनस 43। तो पहले हम वंस वाली संख्या लेंगे, फिर टेंस वाली, चलो वंस वाली लेते हैं, 9 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कट कितना करना है, 3, 1, 1, 2, 3, ये 3 लाइंस कट। हाउ मनी लाइंस आर रिमेनिंग हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना लिखेंगे यहाँ पे, 6। अब देखिए टेंस के अंदर 7 और 4, 7 में से माइनस किस करना है, 4 को, 7 लाइन खींचेंगे, बनाएंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना कट करना है, 4, 1, 2, 3, 4, 4 लाइंस को कट कर दिया, कितना बचा, 3। नेक्स्ट देखिए 97 माइनस 69, कट करना है हमें, सबसे पहले कौन सी लाइन लेंगे हम, वंस वाली लाइन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सॉरी, वंस वाली लाइन लेंगे, 7 लाइन बनाएंगे, बनाओ जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कट कितनी करनी, 4, 1, 2, 3, 4, 4 लाइन कट। हाउ मनी लाइन्स आर रिमेनिंग, 3। नाउ टेंस वाला लेंगे हम, 9 माइनस 6, 9 लाइन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, कट कितनी करनी, 6 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लाइन कट कर दी, रिमेनिंग लाइन्स आर 3। ओके, तो हमने देखा 97 माइनस 64, कितने बच गए हमारे पास, 33। नेक्स्ट 76 माइनस 60। अब देखिए 6 में से 0, 0 का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, तो 6 में से कुछ भी नहीं जाएगा, तो कितना रहेगा हमारे पास, 6, कितना बचेगा, 6 रहेगा। नेक्स्ट 7 माइनस 6, 7 में से 6 कट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 लाइन कट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइन कट, कितनी बची लाइन हमारे पास, ओनली 1, तो 76 माइनस 60 इक्वल 16। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले हम फर्स्ट एक क्वेश्चन हम समझेंगे यहाँ पे।
कपिल हैड 16 एग्स, कपिल के पास 16 एग्स थे. 3 एग्स वर ब्रोकन, जो 3 एग्स है वो टूट गए थे. हाउ मैनी एग्स डज कपिल हैव नाउ, कपिल के पास अब कितने एग्स हैं. चलो हम लिखते हैं, यहाँ पे बनाएंगे टी और यहाँ पे बनाएंगे ओ. टी फोर क्या हो जाएगा, टेंस, और ओ फोर वंस. अब लिखते हैं हम 16, 16, ओके. टेंस के नीचे हमने टेंस की संख्या लिखी है और वंस के नीचे वंस की. माइनस कितना करना है, 3, कितने एग्स टूटे थे, 3 एग्स टूटे थे, तो कितना बच जाएगा, 6 में से 3 कट करेंगे, कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से 3 कट, 1, 2, 3, 6 कट कर दी, कितना बचा, 3. और यहाँ टेंस, टेंस के अंदर 1 माइनस कुछ भी नहीं है, कुछ भी यानी 0, 0, 1 में से 0 कट हुआ तो कितना बचेगा, 13. तो कितने एग्स रिमेनिंग बचे इसके पास, ओनली 13. ओके,